रंगोली सिर्फ बनाने की है, लेकिन अगर इससे भी बड़ी कहीं बनती है तो बनानी चाहिए। घर घर में होने चाहिए, हर आंगन में होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम विरार स्टेशन परिसर में उपस्थित हैं और आज शिव जयंती होने के चलते आप यहां पर देख पा रहे होंगे अमेया ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बेहद आकर्षण रंगोली बनाई गई है शिव जयंती के अवसर पर। यहां पर दर्शकों की भीड़ लग रही है, लोग लगातार आकर फोटोज निकाल रहे हैं। तस्वीर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रंगोली में साफ तौर पर किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर को उभारा गया है, इसे रंगोली से उकेरा गया है। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन और वहां पर उनका मान मुजरा करते हुए लोग, उनके सैनिक साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको बता दें मेघ आर्ट्स द्वारा ये रंगोली की कलाकृति को बनाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तमाम लोग विरार स्टेशन, क्योंकि ये क्षेत्र है तो यहाँ से स्टेशन जाते हुए लोग या स्टेशन से यहाँ से वापस जाते हुए लोग यहाँ पर ये बेहद आकर्षण रंगोली देखकर यहाँ पर बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से फोटोज निकाल रहे हैं, इस छाया चित्र को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। आज के दिन ये रंगोली कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आकर्षक रूप और रंग लेती हुई दिखाई दे रही है। आज का दिन विशेष है, पूरे विश्व को वंदनीय ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, आज के दिन में उनका जन्म हुआ था, उनकी जयंती पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। यह जो शिव जयंती 19 अप्रैल की हो, शासकीय है, राजकीय है, और एक शिव जयंती होती है वो तिथि के अनुसार होती है। मैं तो यह कहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर दिन करनी चाहिए, इतने वो महान थे। सिर्फ नाना ने की है, ये घर घर में होनी चाहिए, हर आंगन में होनी चाहिए। हर आंगन में जाके देखना चाहिए कि किस तरह से गोली उधर खड़ी है। यानी एक राजा का जन्म, वो राजा कौन है? सारा विश्व उनको मानता है, उनकी रणनीति मानते हैं, उनका शासकीय राजकीय काम मानता है, खेती वाले मानते हैं, ऐसे राजा की जयंती। तो ये रंगोली सिर्फ 6 आदमी ने निकाली है, लेकिन अगर इससे भी बड़ी कहीं बनती है तो बनानी चाहिए, क्योंकि यही राजा का प्यार हम लोग पा सकते हैं और उनका आशीर्वाद दे सकते हैं।